नाउ आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय सारस डायग्राम. देखिए क्या मैंने ये क्वेश्चन आपका सही किया है नहीं किया है. सारस डायग्राम इज बेसिकली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फॉर्मूला. इसमें फॉर्मूला आपके सामने आपका होता है, इन फ्रंट ऑफ यू. सारस डायग्राम में आपका नाउ हिडन होता है. तो देखिए सबसे पहले फिर इसको फाइनलाइज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. अभी देखिए मैं वही मैंने गलती की है तभी तो मैं बी टू में क्या गलती है ए ये है बी टू ए वाई का ए था वो. देखो मैंने अभी बोला ना अभी देखो इसीलिए मैंने उसको रखा है. अगर मेरा सवाल गलत होगा देखो ये भी समझा रहा हूं तो यहां से पता लग जाएगा मैंने कहां गलती की है. 100% देखो मैंने गलती की है तो देखो मुझे पता लग जाएगा. देखिए एनी ऑफ देखिए अभी आप क्या करेंगे फर्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम. ए भी आपका देखो इससे कैंसिल हो गया. मैं भी बिल्कुल वही देख रहा था ए वाई सा ए वाई इज इक्वल टू जीरो. तो देखो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो इंटू ए बी. ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और आपका बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो. देखिए दिस इज द थर्ड इक्वेशन. अब देखो ये आंसर इतना आना नहीं चाहिए जो आपके सामने है. देखिए कंपेरिजन स्टडी भी बता रहा हूं. देखो एंड ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. आपका देखो कॉन्स्टेंट आपका नाम इट इज आपका जस्ट ट्रांसपोजेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो बोथ हैव द साइंस पॉजिटिव विल बी चेंज इन टू द नेगेटिव वन. नाउ दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई माइनस यू हैव टेकन कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो. देयरफॉर आपका देखो नाउ ये आपकी दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. एक ही आगे देखो आपके सामने. अब आपका देखो ना आर कंपेयर विथ विथ सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देन कलेक्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ वाई. कई बार आपका देखो ना ये हमने लिखा आपकी अंग्रेजी फिट है. देखो ये मैंने देखो आपको बोर्ड में बिठा दिया. देखो ये आपका नाम ये आपने लिखा आपका नाम ये इसको ये भी लिख सकते हैं कलेक्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ वाई. देखो कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट है सर टर्म्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ वाई अगेन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई अगेन. ये देखिए आफ्टर कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. आप इंग्लिश स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपको आनी चाहिए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बना रहे हैं या आपका पॉजिटिव आप बना रहे हैं नैरेटिव्स आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. देखो आपका सिंपल है कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड सेंटेंसेस है वो आपका देखो. आप देखिए पहले लिखेंगे तो यहां देखिए बी वन ऐसे पढ़ो जरा देखिएगा ये एक्चुअल में ऐसे होते हैं आपका बी वन बी टू सी वन सी टू ए वन ए टू बी वन बी टू. ये देखिए ऐसे लिखा जाता है ऊपर से नीचे पहले आते फर्स्ट यू हैव टू कम फ्रॉम हियर देखो टॉप टू बॉटम तो प्लस होगा एंड व्हेन यू आर गोइंग डाउन टू अप मींस लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप तो माइनस होगा उससे पहले. देखो ये जो एरो आप लगाते ये सारा डायग्राम है और ये आपका 11th में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में आपका यूज किया जाता है. देखो बी वन बी टू. अब आपका देखो बी वन पहले आपका देखो जरा चेक कर लीजिएगा मैं कहीं गलत तो नहीं हूं बिल्कुल माइनस है. देखो बी वन की वैल्यू उसके बाद देखिएगा अभी मैंने और चीजें भी आपको बता ली है. ये देखो आपका बी ये हो गया कॉन्स्टेंट आपका देखो सी वन जीरो है ना. देखो सी टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए वन आपका देखो दिस इज बी है ये आपका ए है देखो माइनस ए इंटू. अब आपका देखो ये हो गया चेक कर लो. देखो सी वन सी टू सी वन सी टू तो ठीक है. आपका देखो बी वन बी टू में देखो ये माइनस है और ये देखो
क्वेश्चन देखो ये है, देखो थोड़ी सी गलती नजर हटी, दुर्घटना घटी, इसीलिए मैंने उसको अभी बिल्कुल कि गलती करके देखो कैसे अमेंडमेंट करते हैं, यहां पता लग गया। देखो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, इट विल गो अप, आपका गो डाउन कम अप, आपका ये ऐसे अब बना दिया। यहां पे देखो आपका इन दोनों के बीच में एक्स लिखेगा, वाई, और कॉन्स्टेंट जब भी आपका राइट लेफ्ट साइड में होता था यहां पर क्या लिखते हैं प्लस वन। यहां पर देखो एक्स वाई प्लस वन, अगर कांस्टेंट राइट साइड में होगा तो यहां माइनस वन लिख दीजिए, याद रखिएगा। अब आपका देखो ना एक्स ओवर एक्स ओवर बी वन सी टू, देखो माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए माइनस, ये फॉर्मूले का होता देखो आपका बी इंटू जीरो इक्वल वाई ओवर, ये देखो जीरो इंटू ए माइनस फॉर्मूले का माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू आपका देखो बी, अगर मैंने सही किया होगा अभी आंसर देखो चाहिए तो बी इंटू देखो आपका बी। कभी कभी हम जो गलती करते हैं उससे सबक लेना है आपका। एक्स ओवर देखिए माइनस माइनस का प्लस, देखिए माइनस माइनस का प्लस मल्टीप्लीकेशन में तो ना ए ऐसे लिखा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका जीरो हो जाएगा, नो नीड टू राइट दिस, इसको भी नो नीड टू राइट दिस, जीरो हो गया। माइनस माइनस की प्लस आपका देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू देखो बी इक्वल, ये आपका देखो वन ओवर ये आपका बी बी सा बी स्क्वायर और माइनस देखो आपका ए स्क्वायर, कितनी बड़ी गलती है ये देख लीजिए आप ना। अब देखो वन ये टू ये थ्री, आपका इक्वेटिंग वन विद थ्री, देखो टू गेट, देखो फर्स्ट ए में इक्वेटिंग वन विद थ्री टू गेट एक्स, देखो ए एक्स ओवर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू देखो आपका ए आ गया है नाउ इक्वल टू वन ओवर देखो बी स्क्वायर, मेरे हिसाब से जरा चेक कर लीजिएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस, आपने बोला नहीं देखो आपका ना, अभी देखो इट्स गोइंग अप तो ना दो एक्स इज इक्वल टू a into now a square plus b square over आपका ना देखो this is the a square plus b square ये खलास x की वैल्यू a, देख लीजिए आप कहाँ गलती की है, अभी मैं आपको वो भी बता ही रहा हूँ, देखो आपका ना b now equality आपका if this two with three to get y, अभी टू थ्री के साथ देखो y से गुणा देखिए आपका नाम दिस ये आपका y ओवर सॉरी b into a square plus b square, ये b है b ये आपका इक्वल टू 1 ओवर a square plus b square, ये आपका मैंने आगे पीछे लिख दिया व्हेन इट इज गोइंग अप, ये आपका ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं परफेक्ट एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए b into देखो a square plus b square ओवर a square plus b square, देखो ये खलास तो देखो b, सो देयरफॉर देखो x is equal to देखो a और y is equal to आपका b, देखो इतना छोटा आंसर आना चाहिए था, वहां देखिए आपका कितना बड़ा आंसर है। अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब मैंने कहां पे गलती की थी, मैंने यहां पे गलती की थी, b2 मेरा क्या होना चाहिए था, what b2 is क्या है b, तो देखो अब b b भी नहीं एक ही b है, तुम्हारी b भी कहां से आई अभी, देखिए ये मैं आपको एक जस्ट बता भी रहा हूं, कभी कभी हमारा क्वेश्चन हमने किया हमने कहा आंसर नहीं आ रहा तो दूसरे मेथड से करिए और दूसरे मेथड से करके अब आपका दोनों के आंसर आपने देखे क्या आ रहा है, देखो अब यहाँ पे देखो आपने x इज इक्वल टू बी वन, बी वन क्या था जी बी वन इज इक्वल टू देखो माइनस ए इंटू देखो आपका माइनस क्या है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल आप और माइनस बी टू इज वॉट दिस इज बी इंटू आपका देखो ओवर दिस इज बी into b and this is minus formula mein a into minus a minus minus ka plus it will become zero so now the minus minus ka plus now the this a square plus b square over b b ja b square minus minus is plus a square khalas x is equal to b to jab kabhi bhi aap question ko solve kar rahe hain aap se galti ho ja rahi hai to aap dusre method se kariye, बहुत सारी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, एक रेफरेंस बुक में
आपको सब कुछ मिल जाएगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में 6 मेथड और प्लस 1 जो मैंने अभी नहीं बताया 7 मेथड है। नाउ देखो अब ये y इज इक्वल टू c1 इज व्हाट, c1 आपके पास क्या था 0 इनटू दिस इज माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 8 ओ नो 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 0 इनटू a2 a माइनस ये फॉर्मूले में c2 आपका नाउ दिस इज माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इनटू आपका नाउ a1 इज b। देखो ओवर इसका सबसे बड़ा द बेनिफिट यू हैव दैट कि बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर, सो दैट्स व्हाई नो नीड टू थिंक, ज्यादा नहीं सोचना आपने, ये आपका देखो ना दिस तो y इज इक्वल टू दिस इज 0 माइनस माइनस की प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b b जा b स्क्वायर n ना प्लस a a जा a स्क्वायर दिस इज खलास। तो नाउ y इज इक्वल टू b, तो देखिए एट लास्ट आपका देखो एट लास्ट ये आपका क्या हो गया x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ये आपका आंसर आ गया। तो याद रखिएगा जब भी आपका कांस्टेंट अब लेफ्ट हैंड साइड में होगा उस समय जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे दैट विल बी b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1 एंड y यू हैव टू कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ दिस c1 a2 माइनस c2 a1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। लेकिन अगर कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड में है यहां तो आपने ट्रांसफर किया है माइनस है, अगर कांस्टेंट आपका तो ये उल्टा लिख देंगे आपका देखो ये जब कांस्टेंट आपका राइट साइड में तो यहां एक तो क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, देखो यहां माइनस वन आ जाएगा। कांस्टेंट अगर आपका राइट साइड में ही आप रहने देंगे तो आपका यहां माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन हो जाएगा तो सडनली आपका ना इट विल चेंज, तो ये आपका दिस इज द रूट ऑफ दिस वन फॉर्मूला। सारा डायग्राम से अब जब आपका क्या होगा कांस्टेंट जैसे इसमें था ए स्क्वायर पे इसको मत लिखिएगा, हाँ यहाँ जरूर स्पेसिफाई कर दीजिएगा कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड में लेफ्ट में होगा तो ये फॉर्मूला होगा, और राइट में अगर होगा तो ये बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू हो जाएगा, नो नीड टू चेंज ये एज इट इज रहेगा, और ये आपका सी टू माइनस ए वन माइनस सी वन ए टू बाय देयर इज नो चेंज, ये ऐसे हो जाता है कांस्टेंट। इज इट क्लियर, फाइन प्लीज।